हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 1.6। अब देखिए, दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइंड करना है आपको 64 रेज टू पावर 1/2। तो आपको 64 मतलब आपने सोचना है कि किसकी पावर 2 है, क्योंकि आपने ये वाला 2 जो है, जो मतलब नीचे है ना, उसको आपने कैंसिल करना होता है। तो 64 किस चीज की पावर 2 है? ये 8 की पावर 2 है, क्योंकि 8 × 8, ये देखिए 8 × 8 हमारा क्या होता है, 64 ही होता है। तो दिस इज 8 raised to power 2, 1/2 बाहर है। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर 1 मीन्स 8 इज योर आंसर। नाउ कमिंग अपॉन पार्ट नंबर 2, 32 raised to power 1/5। अब आपने 32 को सोचना है किस चीज की पावर 5 बनेगा। तो 32 जो है वो 2 की पावर 5 होगा, पीछे है 1/5, 5 and 5 विल बी कैंसिल, 2 raised to power 1 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 125 raised to power 1/3। अब 125 किस चीज की पावर 3 है, कौन सा डिजिट की पावर 3 है? ये 5 की पावर 3 है, ठीक है, 1/3, 3 and 3 कैंसिल, 5 इज योर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 9 raised to power 3.2। ये भी क्वेश्चन सेम है, आपने देखना 9 जो है किसकी पावर 2 बनेगा। 3 की पावर 2 जो है वो 9 होता है, क्योंकि 3 × 3 दैट इज 9। अब 2 and 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 3 बच गया, 3 raised to power 3 हमारा बच गया। 3 raised to power 3 मतलब 3 × 3 × 3, दिस इज 27। नाउ लेट्स कमिंग अपॉन पार्ट नंबर 2, 32 जो हमारा है किस चीज की पावर 5 है। 32 जो है किसकी पावर 5 है? 2 की पावर 5 32 होता है, इसके बाहर है 2.5, 5 and 5 विल बी कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विद 2 raised to power 2 मीन्स 2 × 2, दिस इज 4। नाउ कमिंग अपॉन पार्ट नंबर 3, 16 जो हमारा किस चीज की पावर 2 बनेगा, ये 2 की मतलब किस चीज पावर 4 बनेगा। 16 2 की पावर 4 होता है, बाहर आउटसाइड है 3.4, 4 and 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 आर लेफ्ट विद अस, सो 2 × 2 × 2, दिस इज 8। नाउ लेट्स कमिंग अपॉन नेक्स्ट पार्ट, 125 raised to power 1/3। 125 किसकी पावर 3 होता है? 5 की पावर 3 होता है, 5 की पावर 3 और -1/3 बाहर है, तो 3 and 3 कैंसिल, 5 raised to power -1 बच गया है। आपने ये वाला जो माइनस है कैंसिल करना है, ये माइनस जो पावर वाला है जब कैंसिल करेंगे तो इस चीज का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये 5 मतलब 5.1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 raised to power 1 विच इज अगेन 1/5। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 2 raised to power 2.3 × 2 raised to power 1/5। अब देखिए, बेसिस जो है वो सेम है और पावर्स हम क्या कर देंगे, ऐड। अब इस चीज का आप लेंगे एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, 15 divided by 3 दिस इज 5, 5 multiplied by 2 दिस इज 10, प्लस 15 divided by 5 दिस इज 3 multiplied by 1 3, 10 + 3 दिस इज 13/5। बस आपने इस चीज का क्या लेना है, एलसीएम, और प्रॉपर्टी क्या लगेगी, इफ द बेसिस आर सेम इन बिटवीन देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन देन पावर्स विल बी एडेड। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 2। अब जब देखिए, अब यहाँ पर दो पावर आपको बिल्कुल इकट्ठी दिख रही है, 3 की पावर 3 भी होगी और उसकी पावर 7 हो गया। ऐसे अगर आपको कहीं पर भी दो पावर्स बिल्कुल इकट्ठी दिखेंगी तो उनको आपने कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 3 जो है, पहले तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, है ना, जब ये नीचे है क्योंकि डिनोमिनेटर में, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जब मैंने आपको बताया था कि माइनस का साइन गायब करने के लिए उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल, तो अब उल्टे को सीधा करना है, मतलब रेसिप्रोकल से हमने ऊपर लेके जाना है इसको, तो साइन जो है माइनस का हो जाएगा, 3 raised to power -3 और 7, देन 3 7s are 21, और फिर से ये माइनस गायब करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 raised to power 21। नाउ लेट्स कमिंग अपॉन पार्ट नंबर 3। अब देखिए, यहाँ पर बेसिस जो है वो सेम है और पावर्स अब ऐड नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है, तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, 4 and 2 का एलसीएम 4, 4 divided by 2 दिस इज 2 multiplied by 1 2, माइनस 4 divided by 4 1 × 1, तो 2 − 1 कितना हो गया 1 1/4। अब इस केस में देखिए, इस केस में उल्टा हो गया, पावर सेम हो गई और जो बेसिस हैं वो अलग हो गए। तो ऐसे केस में जहां पर पावर सेम हो और बेसिस अलग हो, आपने बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 7 8 = 56 और पावर आप एक बार लिख देंगे। नाउ दिस एक्सरसाइज 1.6 इज कंप्लीट, विद दिस आवर चैप्टर नंबर 1 इज ऑल्सो कंप्लीट। थैंक यू सो मच।